एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने लखनपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं व म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरदार दर्शन सिंह ने दिन रात लोगों की काफी सेवा की है, जिसे मैं जीवन भर याद रखूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति रात 2:30 बजे तक लोगों की सेवा में हाजिर रहता था और निस्वार्थ लोगों की सेवा करता था। लखनपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं व म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह द्वारा लखनपुर के निजी होटल में शुक्रवार को आयोजित समारोह में कठुआ के एसएसपी डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा को विदाई दी। कठुआ जिला में 13 महीने के कार्यकाल के लिए वरिष्ठ पुलिस प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा की सराहना की गई। इस अवसर पर बोलते हुए दर्शन सिंह ने कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुशील गुप्ता ने कहा कि एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान कठुआ जिला के लोगों का दिल जीता है। कोविड-19 अब हम यही चाहेंगे कि ना गुड विशेष आर की टीम डेफिनेटली मैंने जब आपको उसमें नहीं कहा था कि डेफिनेटली मैनी मोर अवार्ड का नाम पर छुट्टी जारी बिटिंग फॉर यू और लखनपुर की तरफ से हम फिर जाएंगे गुजारिश करेंगे जिस भी यहाँ से निकलना हो कैंडी लखनपुर लोगों को जॉब दीजिएगा। और अब अंत में मैं सरार जी हमारे कृष्ण जी मेरे भाई छोटा इससे नहीं हुई 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 जॉब भी होता है जो लोगों को इकट्ठे करके और वही वही और एक एटमोसफेयर बना लेते हैं। चलो वही वही हमारे पास ऐसा दम मिश्रा जी मेरी बगल जी चीफ साहब असचो साहब और मेरे सारे साथी मैं ऐसे साहब ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा कि ये हमारा एक छोटा सा अपना यार दोस्ती में नेटवर्क है सिर्फ ये सब लोग ही एक आवाज़ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मुझे एसपी साहब के साथ केडीपी के साथ ने अच्छी तरह मिलाया। यही कि कोरोना के टाइम कभी शाम को पानी के बहाने कभी कोल्ड ड्रिंक के बहाने लेकिन कुछ चीज़ें मैंने शाम को इनके पास बैठ के गप शप चलती तो मैंने सीखा ये है कि चलो बहाने से कुछ साहब किसी और तरीके से कर सकते हैं हम किसी और तरीके से कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को साहब की बातें समझ आती हैं कुछ नहीं आती हैं लेकिन आएंगी बाद में आएंगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा यही कहूँगा बगिन साहब ने भी कहा है कि एसएसपी साहब यहाँ अच्छा टाइम निकाला हमारे साथ। कोरोना एक बहुत भयंकर बीमारी थी जो हमारा जेएनके को बचाने में खूब साथ दिया। उसके बाद जब सीटीएम का पंगा बना तब भी आप लोगों ने सबने देखा होगा कि उनको कैसे हैंडल किया। हर अफसर लोग ऐसे नहीं जाते और ना ही देखते हैं लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ को संभाला। तो मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ साहब का। यह दिन चोरी चोरी ट्रांसफर होने के बाद सर हमें मिले नहीं ये चले गए थे तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आ जाए। तो सर ये चीफ साहब ने भी आपको कहा कि कभी भी आते जाते यहाँ मौका मिले तो हमें सब साथियों को याद करें कभी बैठ के चलो गपशप लगा के टाइम पास करें। जय हिंद जय भारत। 19 के दौरान उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, साथ ही कठुआ जिला में गौशाला का निर्माण करवाया जहां आज कई मवेशी रह रहे हैं। साथ में युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिन्हें जीवन भर नहीं भूलेंगे। लोगों को संबोधित करते हुए एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कोविड-19 के दौरान लखनपुर निवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता था और हमेशा कोरोना महामारी फैलने का डर बना रहता था लेकिन लखनपुर निवासियों ने कभी इसका विरोध तक नहीं किया और हमेशा पुलिस का साथ दिया। कोरोना महामारी के दौरान लखनपुर निवासियों ने यात्रियों की बहुत सेवा की, किसी भी यात्री को बिना भोजन के भूखा नहीं सोना पड़ा। उन्होंने कहा कि लखनपुर में सैकड़ों की तादाद में यात्रियों की सेवा की और पुलिस का साथ दिया वह कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कोविड के बाद लोग लखनपुर क्या है वो जानने लगे। अब ये बात मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ बताना कि एक स्टेट क्राफ्ट होता है। वाजपेयी साहब बताया करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी,
स्टेट क्राफ्ट यानी राजधर्म। स्टेट क्राफ्ट ये कहता है कि अगर एक देश को बचाने के लिए या एक विश्व विश्व को बचाने के लिए एक देश कुर्बान करना पड़े तो कर दो, एक देश को बचाने के लिए एक राज्य कुर्बान करना पड़े तो कर दो, एक राज्य को बचाने के लिए कोई जिला कुर्बान करना पड़े तो कर दो, एक जिले को बचाने के लिए कोई तहसील कुर्बान करनी पड़े तो कर दो, और एक तहसील बचाने के लिए एक गांव कुर्बान करना पड़े तो कर दो, और एक गांव बचाने के लिए घर कुर्बान करना पड़े तो कर दो, और एक घर को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति का बलिदान मांगता है तो कर दो। जब कोविड में पूरे JNK को बचाने की बात चली तो बलि चढ़ी जिला कठुआ। यह हम मांग के चल रहे थे कि जिला कठुआ ग्रसित होगा, बहुत ज्यादा ग्रसित होगा, हमारे पास कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे लोगों को बाहर लिया भी नहीं जाएगा, ना सांबा में लिया जाएगा, ना जम्मू में लिया जाएगा, ना पठानकोट में लिया जाएगा, और खुसूसन उस कठुआ जिले में अगर कोई तहसील प्रभावित थी, कोई इलाका प्रभावित था, तो वो था खुसूसन लखनपुर। तो आप सब बलि वेदी पर चढ़ने वाले वो बलि के बकरे थे जिनके लिए हम राजी थे कि आप फैले तो फैले, यहाँ जितने लोगों के घर में आग लगे सो लगे, हमारा पूरा यूपी बचना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ इस बात को कि हम मेंटली इस बात के लिए रेडी थे, बट ये रेडी होते हैं ऊपर के बड़ा। जब आप जिला कठुआ के सरबराह हैं, जब आप वहां की पुलिस फोर्स के हेड हैं, तब आपके लिए लखनपुर का निवासी भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि जम्मू का या श्रीनगर का। तो भले ऊपर वाले जिम्मेदारी ना लें, बट हमें तो लेनी थी। अब हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि पूरा यूपी बचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लखनपुर जले, लखनपुर भी बचे। उस बात को सही एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। कुछ बातें हम लखनपुर में करते गए, ना आपको तब पता थी ना आपको आज पता है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि रेड जोन का मतलब क्या होता था, क्यों उस 500 मीटर को रेड जोन रखा जाता था, क्यों वहां प्रोटोकॉल लगाए जाते थे, क्यों आप लोग के साथ जो हमने समन्वय बनाया उसके पीछे कितनी थॉट प्रोसेस थी। लखनपुर का डेफिनेशन क्या है? लखनपुर का डेफिनेशन आपका थाना, आपकी किले वाली माता का मंदिर, आपके बल्ले वाला रोड, आपका बसंतपुर वाला रोड, आपका हटली वाला रोड, क्या ये लखनपुर है? लखनपुर आपका था रावी दरिया के ब्रिज से लेकर आपके टोल प्लाजा तक, ये लखनपुर था, जहां आपकी आबादी शून्य है, जहां आपका एक भी मकान नहीं है, जहां आपकी एक भी दुकान नहीं है। उसके बाद हमारे लिए लखनपुर नहीं था। उस इलाके में क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, कौन कौन करता था, ये संजीव जानता है, ये केडी जानते हैं, ये मैं जानता हूं। ये आपके डोमेन में ना इन्होंने लाया है, ना इनको लाना चाहिए। अब ये राजधर्म ये कहता है कि भले बलि के लिए लोग तैयार हों, पर इसका मतलब ये नहीं कि बलि ले लो। कोशिश ये करो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि हम कर क्या रहे थे। हमने लखनपुर को कर अपने प्राइवेट गाड़ी में एक व्यक्ति के साथ वहां पहुंचे। वहां जब मैंने इनको देखा, इनका रिलेशन मैंने केडी भगत के साथ देखा, फिर मुझे पता चल गया कि मेरा एक्सटेंशन वर्कर आ गया। और इसी तरह से आप लोग एक्सटेंड होते गए। सुशील गुप्ता जी का एक हमेशा आदत रहा कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ये चीजें भेजा करते थे। इनको लगता होगा कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ता मैं हर एक चीज था। एक फीडबैक वहां से मैकेनिज्म बना हुआ था। पुराने म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान थे सुरमुद्दीन, या जो आप प्रेजेंट प्रधान है सिट्टू जी, ये सब के सब हमारे पुलिस के एक्सटेंशन वर्कर्स बन गए थे। इनको हम लोग गुजारिश नहीं करते थे, रिक्वेस्ट नहीं करते थे। जैसे बतौर SP मैं अपने SHO को ऑर्डर करता हूँ, अपने DSP को ऑर्डर करता हूँ, अपने कांस्टेबल को ऑर्डर करता हूँ, उसी हक से मैं इन लोगों को ऑर्डर किया करता था। हालांकि वो ऑर्डर मुझसे डायरेक्टली पास नहीं होता था, वो KD के थ्रू फिल्टर होके पास होता था, बट वो ऑप्शन नहीं दिया जाता था, कहा जाता था ये करो, अगर पानी चाहिए तो लाओ, सफाई करनी है तो करो, वर्कर लाना है तो लाओ, नहीं लाओगे वो ऑप्शन ही नहीं है। और लखनपुर का मैं सदैव ऋणी रहूंगा कि लखनपुर ने कभी विरोध नहीं किया। लखनपुर का एक एक बच्चा, लखनपुर का एक एक घर, लखनपुर का एक एक दुकानदार
पूरी तरह से सहयोग में था। तकलीफ में होने के बावजूद किसी किस्म का कंप्लेंट नहीं आया। हमारी ताकत बन के आप लोग उभरे। पूर्व के वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश नहीं की। एक स्टेप आगे गए लखनपुर वाले। कुछ लोगों ने आपको आकर भड़काया, कहा कि तुम लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हो, क्या तमाशा लगा रखा है, ये क्यों बंद करके रखा है, पूरी दुनिया खोलिए, लखनपुर क्यों बंद है। मुझे अच्छे से याद है कि जितने प्रेशर ग्रुप बनते थे वो मेरे पास आते थे। मैं क्योंकि कठुआ के 13 महीने 13 दिन के टेन्योर में 80% टाइम तो मैं लखनपुर में रातें गुजरी हूँ, तो मैं ऑफिस में सबसे कम बैठने वाला एसपी पूरे इतिहास में मिलूंगा आपको कठुआ के, क्योंकि कोरोना काल में ऑफिस में जाना दुभर था। सारा का सारा काम ऑफिस ही शिफ्ट हो गया था लखनपुर के अंदर। वहां पर आप लोग आते थे, हम आपसे बात करते थे और आपको समझाते थे कि आप विरोध क्यों ना करें। अब एक तरफ आपको प्रेशर होता था पीछे से कि आप करो, दूसरी तरफ से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि क्यों ना करें। इस दुविधा में आपने सदैव हमारा साथ दिया, ऑलवेज लखनपुर सपोर्टेड अस। मैं कई बार लखनपुर में खड़ा होता था तो मेरी माता जी का, पिताजी का, कभी बहन भाई दोस्तों का फोन आया करता था, कहाँ हो, तो मैं सिर्फ इतना कहता था लखनपुर में हूँ। और लखनपुर नाम ऐसा लगता था कि वसेपुर है, कि इतना क्रिमिनल इलाका है, कि इतना डरावना इलाका है, कि इतना भयानक इलाका है, यहाँ नहीं आ रहा है, बच्चे फेंके जा रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, वहाँ शादियाँ कराई जा रही हैं, वहाँ नारे लग रहे हैं, वहाँ रोड ब्लॉक हो रहा है, वहाँ पानी के लिए, खाने के लिए हाहाकार मची हुई है, लोग लड़ रहे हैं, मोर्चे आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, एवरीथिंग, ऑल द एक्शन वॉज ऑन दैट 500 मीटर स्ट्रेच। और उस पूरे पल में मैं अपने परिवार को ये यकीन दिलाता था कि नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं वो पूरा इलाका हमारे साथ है। ये कॉन्फिडेंस हमें आखिरी दिन तक रहा, जब तक मैं यहाँ नहीं ट्रांसफर हुआ। लखनपुर को लेकर मैं निश्चिंत रहा। लखनपुर को मैं, एक दिन जब मुझे कंप्लेंट हुई लखनपुर से, जब टोल प्लाजा पे लखनपुर के लड़कों ने तोड़ फोड़ की, मुझे वो उम्मीद लखनपुर के बच्चों से नहीं थी। वो एकमात्र इंसिडेंट है लॉ एंड ऑर्डर का जहां मुझे जाना पड़ा, और वहां जब तक मैं गया था वहां पे बूथों को तोड़ा गया था, शीशे तोड़े गए थे, हाथापाई की नौबत आई थी, विच इज नॉट लाइक लखनपुर। लेकिन उसके बाद जो लखनपुर ने रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएटली उस पूरे मामले को कूल किया गया, इमीडिएटली जो ट्रैफिक है उसका आवागमन सुचारू ढंग से शुरू किया गया, और अगले दिन से वहां वॉयलेंस ना हो, इसकी पूरी तरह से प्रतिबद्धता लखनपुर के मोसर शहरियों ने दिखाई। तो ये दर्शाता है कि अगर आप वाकई एक अच्छे सिटीजन है और किसी दुविधा में आपके नौजवानों से गलती हो जाती है तो बाकी लोग बाहर निकल के उस चीज को कंट्रोल में लाना शुरू करते हैं। हम लोग ने भी कोई विच हंट नहीं किया, ऐसा नहीं था कि जो लड़के हमारे दोषी पाए गए थे उनको छोड़ दिया गया, वो केसेस में हैं, बट ऐसा नहीं था कि उनका करियर खराब करना, उनके खिलाफ चार्जशीट करना, उनको कटघरे में खड़ा करना, एविडेंसेस पैदा करना। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सोशल इंजीनियरिंग के। जिस सनी लड़के का मैं नाम ले रहा हूँ वो इज वन ऑफ द अक्यूज्ड, बट उसके बावजूद आई अलाउड सनी टू अटेंड द प्रोग्राम इन विच द वुमन डेस्क वॉज इनॉग्रेटेड। उससे हुई है गलती, यस, ही इज फेसिंग द लॉ, बट एट द सेम टाइम ही नीड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकरेक्ट हिमसेल्फ, टू रिसरेक्ट हिमसेल्फ। और ये उसी समाज को मौका मिलता है जो समाज 10 में से 9 काम अच्छे करता है। तो अगर एक चीज उससे गलती हुई है तो उसको अनदेखा किया जाता है और उसमें उसको सुधार लाने का मौका दिया जाता है। यू आर नॉट अ क्रिमिनल एरिया, यू आर एन एक्सलेंट एरिया। और ये सारी की सारी जो व्यवस्था आप लोगों ने बना के रखी थी लखनपुर की, ये लास्ट मोमेंट तक मुझे याद रहेगा। मैं पूरे कठुआ में कई जगहों पर ये अहले विदाई के ऐसे समारोह आयोजन हुआ है, लेकिन एक ये ऐसा इलाका था जहां मेरे मन में था कि मैं आप लोग को आके कोई पार्टी शार्टी दूं। अगर हम कामयाब हुए, जिस स्तर तक भी हमें कामयाबी मिली, तो वो कामयाबी सिर्फ आपके सहयोग से मुमकिन थी। अगर आप संजीव के पीछे नहीं खड़े होते, अगर आप केडी के पीछे नहीं खड़े होते, और आप ऑफ लेट अगर आपने अरविंद को सपोर्ट नहीं किया होता, चाहे इलेक्शन का माहौल हो, चाहे टोल वाला मसला हो, कोविड प्रोटोकॉल तो बहरहाल था ही था, आपके ऑलरेडी ऊपर गाजें गिरी थी, आपके टैक्सेस हटा लिए गए थे, नौजवान बेरोजगार थे, फ्यूचर का पता नहीं था, कोविड के चलते सारे दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन ठप था, उस दुविधा में होते हुए, बैकफुट पे होते हुए आप लोग एक ऐसे मशीनरी को सपोर्ट कर रहे थे जिसको कोई करता नहीं है अमूमन। तो इस बात के लिए बतौर कठुआ पुलिस मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज इस फंक्शन में आने की रजामंदी भी मैंने सिर्फ इसीलिए दर्शाई कि मैंने कहा कि ठीक है, एक हम लोग जात के पंडित होते हैं, बड़े होशियार होते हैं हम लोग, हम कहेंगे पार्टी भी बचेगी और मेरा शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। तो मैं कठुआ पुलिस की तरफ से और एक्स एसएसपी कठुआ के नाते और बतौर एक आईपीएस ऑफिसर जो मेरी तैनाती इस इलाके में रही, मैं सदैव आपके सहयोग को याद रखूंगा, आपका ऋणी रहूंगा और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जब कभी भी उनको मौका मिलेगा तो वह लखनपुर आते जाते रहेंगे। इस अवसर पर पार्षद के साथ डीएसपी केडी भगत, थाना प्रभारी अरविंद सम्बयाल, पूर्व थाना प्रभारी लखनपुर संजीव जीव आदि उपस्थित थे। लखनपुर से अनिल शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।